तो हेलो दोस्तों, तो आप हमने पिछले एपिसोड में आपने सीखा ओवरव्यू क्या है, गैलरी व्यू क्या है, तो आज हम बात करेंगे इंटरफेस की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो प्रोक्रेट के इंटरफेस के लिए आपको कोई भी एक साइज चूज करना पड़ेगा, तो मैं ये साइज ले लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। इधर आपको लेफ्ट साइड में आपको दो स्क्रोलर टाइप से आपको दिखाई देंगे, और इनका क्या है, ये अपना साइज है और ये ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी कम या ज़्यादा जितना आप रखना चाहते हैं अपना ब्रश का, उस हिसाब से आप रख सकते हो साइज जो आपको रखना है। कुछ ऊपर कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखाई देती है, एंड राइट साइड में आपको ब्रश, स्मज, इरेजर और ये लेयर, एंड लास्ट में आपको कलर पैलेट दिखाई देता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इतना आपको उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं गैलरी की बात करता हूँ, तो गैलरी पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं वापस अपना जहाँ आपका गैलरी व्यू है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वापस मैं इस पे आता हूँ। अब मैं अगर इस सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ एक्शंस दिखाई देते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे को कुछ ऐड करना है साथ में यहाँ पे, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। देन कैनवस साइज है, तो अगर मुझे कैनवस साइज, मान लो मेरा अभी फिलहाल ये वाला कैनवस है, अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं यहीं से भी चेंज कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से क्रॉप का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, ये एनिमेशन की सेटिंग मिल जाती है कैनवस में, कि अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो नीचे एक बार खुल जाता है जो कि आप जितना भी फ्रेम वाइज आपको एनिमेशन करना है उस तरीके से। ठीक है, एंड कुछ ड्रॉ गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए अपने कैनवस के ऊपर तो वो आपको दिखाई पड़ेंगी यहाँ पे। तो आप गाइडलाइंस को एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, साइज एंड ओपेसिटी जितना अगर आपको रखना है, सपोज करो इतनी बड़ी गाइडलाइंस, जो भी आपको मतलब जिस हिसाब से आपको चीजें सही लगे उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे गाइडलाइंस कर सकते हो। 2D गाइडलाइन है, एंड ये इंसोमेट्रिक है, पर्सपेक्टिव है और सिमेट्री है। तो इन तीनों में से आप जिस हिसाब से आपको अपनी गाइडलाइंस यूज करनी है वो आप कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं गाइडलाइंस में, ऑफ कर देता हूँ। तो ये आपको पता ही है, फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन कैनवस। कैनवस का क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो है, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। तो अगर हॉरिजॉन्टल पे करूंगा तो आपका कैनवस फ्लिप हो जाएगा, वर्टिकल पे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। तो अब आते हैं शेयर पे। तो शेयर पे आप समझ ही गए थे कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट, वो वाला शेयर नहीं है जो हमने लास्ट एपिसोड में किया था। इस वाले शेयर का अलग मीनिंग है। जैसे आपको कोई भी आपका आर्ट वर्क है, सपोज करे कि मैंने यहाँ पे कुछ बना दिया है, ठीक है, अब मेरे को इसको एक्सपोर्ट, मतलब मेरे को इनमें से कोई अपना जेपेक निकालना है या फिर पीएनजी निकालना है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ वो। तो जेपेक का ऑप्शन दिया है, पीएनजी का है, एंड बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन के लिए ये है, और पीएचडी भी आप निकाल सकते हैं अगर आप फोटोशॉप में इसका काम करना चाहते हो तो पीएचडी भी बना के दे देता है। तो अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो में आपको क्या देखने को मिलता है कि टाइम लैप्स देखने को मिलता है जितना, अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पे तरह तरह का, जैसे मैंने इस पे ये सब काम कर दिया है। अभी दिखा देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूज ना हो। तो मान लीजिए कि मैंने एक ये डिजाइन क्रिएट किया है यहाँ पे। अब मेरे को इसका टाइम लाइन देखना, देखिए कुछ इस तरीके को आपको, मतलब जितना भी आप इस पे कुछ भी ड्रॉ करते जाओगे तो वो आपको एक तरह से फ्रेम वाइज रिकॉर्ड करता है बैकग्राउंड में। तो उस हिसाब से आपको अपना पूरे आर्ट वर्क की एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो कह लो या कुछ भी कह सकते हो, तो उस हिसाब से आपको की एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो बना के दे देता है। तो यह हो गया अपना वीडियो परफेंस में। तो कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी आप
बेसिक से स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा, इसमें आप ज़्यादा ना घुसे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टाइप्स की सेटिंग्स हो जाती हैं। अगर कुछ छेड़ दोगे तो फिर आपको पूरा रीसेट मारना पड़ेगा, मतलब आपकी सेटिंग पूरी रीसेट करनी पड़ेगी। तो अभी इस पर मैं बात नहीं करूँगा, इस पर मैं बाद में करूँगा, ठीक है? तो इसको हम फिलहाल के लिए हट जाते हैं। अब हेल्प में वही सब है आपका, आपको कुछ 3D पैकेज डाउनलोड करने हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कुछ, अब उसमें अपने आप आपके गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस सेटिंग वगैरह रिस्टोर जो आपको प्रोक्रिएट पे क्लिक करके आया था वो सेम है यहाँ पे, और डाउनलोड पैकेज है, बस यही सब है। तो आज हम अब बात करते हैं फिल्टर्स की। तो दोस्तों फिल्टर्स में आपका कुछ इस प्रकार आपके एडजस्टमेंट एंड फिल्टर खुल जाते हैं। तो क्या क्या है इसमें मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। पहले मैं अपना एक ब्रश चूज कर लेता हूँ। तो अभी मैं डिटेल पे तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, डिटेल में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी आप पहले एक बार टूल्स या जो भी मतलब फिल्टर्स है उनके बारे में आप समझ लो, तो फिर उसके बाद हम टूल्स मतलब थोड़ा एडवांस डिटेलिंग में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका हैवी सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस आपको देखने को मिलता है। तो ब्राइटनेस का आपको पता ही है, कम ज़्यादा जितना रखना है कुछ इस तरीके से ये काम करता है। सेचुरेशन का आपको पता ही है, अगर आपको यहीं से कोई कलर आपको इसमें डालना है तो वो करके सिंपली अपना कहीं भी आप टैप करो एंड अप्लाई, अनडू, प्रीव्यू, कैंसिल, रिसेट के ऑप्शन दिखाई देते हैं। मान लीजिए मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है? अब इसको जैसे क्या होता है ना, जैसे हमने ये कर दिया, ये अप्लाई तो हो गया, लेकिन अब मेरे को इस वाले फ्रेम से बाहर निकलना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें सिंपल ना क्या होता है, जैसे कुछ बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा ऐसे करके, तो आपको बस इतना वो नहीं करना है। तो सिंपल या तो आप इनमें से किसी पे आप क्लिक कर सकते हो तो वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है? नहीं तो आपका ऑप्शन यही है कि जहाँ आपको ये वाला फिल्टर्स वाला जो आइकन दिख रहा है तो उस पर आप क्लिक करोगे तो भी हट जाता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि अभी जैसे मैंने इस पे ये कर दिया, तो ये है जो सेचुरेशन इस तरीके से काम करता है अपना। तो कलर बैलेंस का अपना थोड़ा अलग है, तो वो भी धीरे धीरे मैं बात करूंगा कलर बैलेंस की भी। तो वो भी कुछ इसी प्रकार से ही चलता, बट थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें कलर बैलेंस का काम। तो फिलहाल कैनवेस है आपका, देखने को मिल जाएगा आपको गामा। तो गामा में क्या होता है, जो आरजीबी जितना भी होता है वो पूरा एक साथ चलता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्लू एंड रेड एंड ग्रीन। तो गामा, अगर आपको सिंगल सिंगल मान लीजिए आपको रेड को ज़्यादा देना है तो रेड, ग्रीन को ज़्यादा देना है तो ग्रीन, तो मतलब इस तरीके से आपका गामा चलता है। तो अब आते हैं कैनवस आपका, कर्व आपका हो गया। कर्व होने के बाद आते हैं हम ग्रेडियंट मैप पे। तो ग्रेडियंट मैप किस तरीके से काम करता है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ ग्रेडियंट मैप दिखाई देते हैं। तो ये आई थिंक इस पे आपको समझ में नहीं आएगा अभी, मैं कुछ दूसरा चीज आपको खोल के दिखा देता हूँ ऊपर। उम्मीद आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो ग्रेडियंट मैप की बात कर रहे थे हम। तो ग्रेडियंट मैप का यूज क्या होता है, ये इस तरीके से काम करता है। ये देखिए आप, जो भी इसमें आपको ग्रेडियंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट एंड ये इंस्टेंट, तो कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट मैप काम करता है। आप इसको कम ज़्यादा यहाँ से स्क्रॉल करके ऊपर एक बार दिख रहा होगा आपको, तो वो चेंज कर सकते हो जो भी आपको
ग्रेडिएंट मैप चाहिए। बाकी आप बाय डिफॉल्ट अपना ग्रेडिएंट मैप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मतलब एक एडवांस पे जब हम जाएंगे सीखते सीखते तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम बस मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे काम कर रही है, लेकिन किस तरीके से काम में लेके आना है इन चीज़ों को, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा अभी, ठीक है। मतलब तो अभी हम बात करते हैं गोजिन ब्लर की। तो गोजिन ब्लर का क्या काम है, जैसे मैंने इस पे गोजिन ब्लर लगाया, अब मैं राइट साइड में अगर मैं मूव करूंगा तो आप देख ही रहे हैं, तो ये पूरा कैनवस मतलब पूरा अपना इमेज ब्लर हो रही है। पूरी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इसको पूरे को एक कर रखा है, फ्लैट कर रखा है, तो वो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर आता मोशन ब्लर। तो मोशन ब्लर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ डाउन करूंगा तो वो उसी शेप में ब्लर करता है, अगर मैं मतलब जिस पोजीशन में अगर आप इसको मूव करोगे उसी पोजीशन में ब्लर करता है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव ब्लर, तो पर्सपेक्टिव ब्लर में आपका क्या रहेगा, तो आप ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ से अब इसकी जो भी है स्ट्रेंथ बढ़ाई, तो वो जहाँ पे ये आपका सर्कल होगा ना वहाँ ब्लर नहीं करेगा ये, जैसे कि मैंने यहाँ रखा, तो वो जहाँ भी इसका ये सर्कल रखा होगा तो वहाँ ये ब्लर नहीं करेगा, बाकी जगह ये भी एक कूल चीज है इसके अंदर। ये सब चीजें आप धीरे धीरे जब हम क्लासेस में बढ़ेंगे तो सब सीखेंगे, और इनके बारे में सेम चीज ये भी ऐसे ही है, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है, जैसे इसमें इसके अंदर ही एरो है तो जिस साइड में हम मूवमेंट करेंगे ये उसी साइड में ब्लर फैलाता है, तो कुछ इतना कुछ है नहीं, आप धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे। नॉइज है, शार्पन है, ब्लूम है, ग्लिच है, हाफ टोन है, एंड लिक्विफाई एंड टोन लास्ट में, और इसके बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, तो इस पे हम अभी बात ही नहीं कर रहे। तो कुछ इस तरीके के आपको फिल्टर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सिलेक्शन टूल में। तो सिलेक्शंस में आपको कुछ ऐसे ऑप्शन खुलते हैं जब हम सिलेक्शंस पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिक है, फ्रीडम है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, और नीचे कुछ इस तरीके के आपको ये सब कॉपी इनवर्ट फेदर सेव और ये सब आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को अब ये इसका एक कॉपी चाहिए, तो ये सिंपली मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, ठीक है। अब सिलेक्शन नहीं, कलर नहीं चाहिए, अब कलर फील्ड पे मैं हटा देता हूँ। तो सिंपली अगर जैसे इस पे ये सिलेक्शन हो गया, मेरे को इसका कॉपी चाहिए, तो सिंपली मैं ड्रैग करूँगा एंड इस पे मूव करूँगा तो इसका एक कॉपी बन के आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम बात करेंगे धीरे धीरे, रेक्टेंगल में चाहिए तो रेक्टेंगल, सर्कल में चाहिए तो सर्कल, तो इस तरीके से कुछ बनाता रहता है, फैदर कितना डालना है, इन्वर्ट करना है, तो कुछ ऐसा ये अपना चलता है। तो अब आते हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल सिंपली अभी आपने देखा जब मैंने सिलेक्शन लेके यहाँ से इस पे जब किया, तो ये एक इस तरह से स्केलिंग वगैरह का एक ट्रांसफॉर्म निकाल देता है कि आप छोटा बड़ा जिस हिसाब से आपको करना है। इसके कुछ यहाँ पे ऑप्शन खुलते हैं, जैसे हॉरिजेंटली इस टाइप करना है, ये करना है, कितना डिग्री पे आपको मूवमेंट करना है, तो सिंपल ये इस तरीके से आपका चलता है। डिस्ट्रैक्ट करना है तो वो उस तरीके से आप कर सकते हो इसका यूज। फ्रीडम में आपका जिस हिसाब से भी आप चलाओगे उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। वॉक में आप समझ ही गए हैं कि
जो भी आपको इसकी शेप देनी है। तो कुछ इस तरीके के कुछ सिंपल सिंपल टूल हैं इसके अंदर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब हम बात करेंगे इन सब के बारे में।